सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ताड़ा सब दा मेरे चैनल पंजाबी किचन च। अज आप बनावांगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े, पल्ले, बड़े, जो भी तुसी इनू कहो। रेसिपी बहुत सिंपल है, किसी भी दाल नू पिउण दी, पीसण दी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आसानी नाल बन के तैयार हो जाता है, 15 मिनट के अंदर बन वाला है नाश्ता है। जिस तरह तुसी वेख पाउंदे हो किन्ना सोहना लगन डिया वेखण नू, हरे खाण नू भी उन्ना ही टेस्टी होएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस सिंपल रेसिपी। ये पकौड़ियाँ बनाने वास्ते तो आप 1 कप सूजी का इस्तेमाल करन डे। तुसी मोटी या पतली कोई भी सूजी यूज कर सकते हो। 1 कप सूजी नू इस तरीके ना वड्डे भांडे च तुसी पा लो। जिन्नी तुसी सूजी का इस्तेमाल किया है सेम उन्नी ही क्वांटिटी च तुसी इहदे विच दही पाउणा है। तो मतलब अगर तुसी 2 कप सूजी पाउंदे हो तो 2 कप दही लैना है, जे तुसी 1 कप सूजी लई आ तो 1 ही कप दही लैना है। हुण इन्हां दोवां चीज़ां नू किसी चम्मच की हैल्प नाल तुसी अच्छे तरीके नाल मिक्स कर दो। मिक्स करन तो बाद इस सूजी नू आपां थोड़ी देर इतना ही रखना है जब तक सूजी जिहड़ा पानी दही दे अंदर हुंदा है अपने अंदर एबजॉर्ब ना कर ले। ये फिलहाल बहुत ज़्यादा संघना हो जाएगा, इस करके थोड़ा जिहा उत्तों आपां एक्सट्रा पानी इहदे विच ऐड करांगे। लेकिन एक गल का तुसीं ख्याल रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं पाउणा, नहीं तो जिहड़ा तुहाड़ा घोल आ बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और जिहड़े पकौड़े आ अच्छे नहीं बणगे, उहदे अंदर बहुत ज़्यादा तेल जमा हो जाएगा। तो हल्का जिहा पानी पाओ, फिर इहनूं 10 मिनट वास्ते इस तरह ही साइड पर रख दो जब तक कि सूजी जिहड़ा सारा पानी अपने अंदर एबजॉर्ब नहीं कर लैंदी। जो तक साडा घोल बन के रेडी होण डिया है आपां इहदे अंदर जिहड़ियां चीज़ां पाउणियां उहदी तैयारी कर लांगे। बहुत ही सिंपल इनग्रीडियंट्स आ जिहड़े तुहाडे घर बहुत ही आसानी नाल अवेलेबल हुंदे आ। 2 हरियां मिर्चां बरीक कट्टियां होईआं, 1 गंढा है बरीक कट्टिया होया। इहदे अलावा तुसीं धनिया पत्ता पा सकदे हो बरीक कट्टिया होया, अदरक बरीक कट्टिया होया 1 इंच टुकड़ा तुसीं पा सकदे हो, और थोड़ा जिहा कड़ी पत्ता। इहदे अलावा तुसीं अगर ज़्यादा स्वाद वधाउणा चाहुंदे हो पल्लियां दा, तो तुसीं इहदे अंदर उबाली हुई मक्की पा सकदे हो, तुसीं शिमला मिर्च पा सकदे हो, पत्ता गोभी पा सकदे हो। इहो जिहियां बहुत सारियां सब्जियां जिहड़ियां तुसीं इहदे अंदर ऐड करके इहदा जिहड़ा स्वाद है उहनूं वधा सकदे हो। मैं फिलहाल सिर्फ इन्नियां ही चीज़ां पाउणियां जिन्नियां तुसीं प्लेट दे अंदर वेखियां। चलो फ्रेंड्स, अराउंड 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी ने सारा पानी जिहड़ा अपने अंदर एबजॉर्ब कर लिया है। एक गल दा तुसीं खास ध्यान रखना है कि जिहड़ा बैटर है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत मोटा होना चाहिए है। जिस तरह मैदू वड़े जिहड़े उड़द वड़े जिन्हों कहिंदे आ, उस हिसाब दा इहदा बैटर होना चाहिए, या फिर जिहड़ा आपां दही दे भल्ले बनाउंदे आ उहदा बैटर किस तरह हुंदा है उस तरीके दा इह संघना होना चाहिए है। सब तो लास्ट च आपां इहदे अंदर ऐड करांगे स्वाद अनुसार लूण और थोड़ा जिहा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तुसीं 1/4 छोटा चमचा पा सकते हो। ये दोवें चीज़ां पाउण दे बाद तुसीं अच्छे तरीके नाल मिक्स कर लो, और उहदे बाद आपां तैयारी करांगे इहनूं फ्राई करन दी। ये भल्लियां नूं फ्राई करन वास्ते आपां कढ़ाई दा इस्तेमाल करांगे, क्योंकि आपां डीप फ्राई करना है इहनूं। देखो इस तरीके का बैटर बनना चाहिए, जे इस तो भी थोड़ा जहा संघना बनता है तो होर वधिया होएगा, नहीं तो घट्टो घट इन्ना तो होना ही चाहिए। इस तो पतला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुहाडे भल्ले जिहड़े अच्छे नहीं बनणगे। कढ़ाई दे विच तेल जिहड़ा उह गर्म हो चुकिआ, तुसीं इस तरह चैक कर लो। एक बार मैं तुहानूं सजैस करूँगी कि एक छोटा जिहा भल्ला, एक छोटी जी पकौड़ी इहदे विच तुसीं पा के वेख लो कि तेल अच्छी तरह इक तरह गर्म होया है कि नहीं, क्योंकि अगर तुसीं ठंडे तेल दे विच पकौड़े पा दोगे तो बहुत ज़्यादा तेल जिहड़ा उह एबजॉर्ब हो जाएगा पकौड़ियां दे विच। इस करके तुसीं चंगी तरह पहला चैक कर लो, तसली कर लो कि तेल गर्म है कि नहीं। जिस तरह ही तेल वधिया गर्म हो जाता है तुसीं फ्लेम नूं थोड़ा जिहा मीडियम कर दो, मीडियम तो हाई दे विच रखो, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल दे विच पकौड़े पाया है जल्दी ना उत्तों सड़ जाएंगे, अंदों कचरे रह जाएंगे। इस करके तुसीं थोड़ी जी मीडियम करके फ्लेम फटाफट इहदे अंदर इस तरह भल्लियां पा दो। इहनूं अल्टी पल्टी करदे होए तुसीं फ्राई कर लेना है। तुसीं वेख्या जिस तरह ही मैनूं एक एक करके चमचे नाल अंदर ड्रॉप किया, ये भल्ले जिहड़े अपने साइज़ तो डबल हो गए, क्योंकि ये फुगण डे आ, इस तरह ही फुगे हुए बनते आ, बहुत अंदरों सॉफ्ट हुंदे आ, उत्तों क्रिस्पी हुंदे आ, और खाण च भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुंदे आ। तुसीं भी इस तरीके नाल चमचे की हैल्प नाल एक एक करके भल्ले पाओ और उन्हों गोल्डन ब्राउन होने तक दोवें साइड तो तुसीं फ्राई कर लो। फ्राई होने के बाद तुसीं जिहड़ा बैच है इहनूं कट सकते हो, और दूसरा पूर बिल्कुल इस सेम तरीके नाल तुसीं कट सकते हो। ये जिहड़े भल्ले आ सब तो ज़्यादा स्वाद लगते हरी चटनी और टोमैटो सॉस दे नाल, तुसीं चाहो तो किसी भी सॉस दे नाल इहनूं सर्व कर सकते हो, या फिर चाह दे नाल भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस इस तरह ही एक एक पूर करते हुए तुसीं सारे पकौड़े जिहड़े तल लो और इंजॉय करो, अपनी फैमिली नूं भी इंप्रेस करो, उन्हां नूं बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भल्ले खाण च। और सब तो अच्छी गल है कि जिहड़ी रेसिपी सी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी ही, और इहदे अंदर गंढे वगैरह जिहड़ा आपां पाए उहदा स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा वधिया आउंदा है।
चलो फ्रेंड्स, यही सी हाड़ी सिंपल जी रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो नो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आऊँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाओ।